सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऐश के बारे में, यानी कि क्या ये ऐश की लास्ट सीरीज होने वाली है, यानी कि ऐश क्या मतलब ये आखिरी रीजन है जिसमें हम ऐश को देखेंगे, यानी कि पहले डिसीजन में कोई और कैरेक्टर ऐश को रिप्लेस करने वाला है, इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर बहुत से क्रिएटर वीडियोज बना रहे हैं एंड मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो वीडियो आ चुकी है। लेकिन गाइस इसके बारे में मैं आपको कोई थियरी नहीं बताने वाला, मेरे पास कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यानी ये ठोस बात करने वाले हैं। सो गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला कि अगर आज जीता तो वो अगले रीजन में आएगा या फिर ऐश हारा तो वो अगले रीजन में, इसके ऊपर बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूं कि ऐश सीधा अगले रीजन में हो गया या फिर नहीं, इसके बारे में बात करूंगा। तो ऐश के जीतने या फिर हारने से इस वीडियो का कोई भी मतलब नहीं है, तो उसको बीच में मतलब कि ऐश अगर हारा तो ऐश जीता तो ये होगा वो होगा, ठीक है। सो गाइस ये फर्स्ट ऑफिशियल मर्चेंडाइज ऐड है जो कि गाइस एक महीने पहले ऑफिशियल पोकेमोन जर्नीज के ट्विटर पे आई थी, देख सकते हो यहाँ पे कोराइडोन एंड मिराइडोन है एंड बीच में एक लड़का है जिसके आपने वो पोकेबॉल है जो कि पोकेमोन का न्यू मर्चेंडाइज है जिसके अंदर बेसिकली पहले रीजन्स के पोकेमोन दिखते हैं। नीचे पिकाचू भी है, ऊपर कोराइडोन एंड मिराइडोन है जो दैट्स मीन्स कि वो पहले रीजन है एंड नीचे है ऐश का पिकाचू, दैट्स मीन पिकाचू एंड पिकाचू मीन्स ऐश, यानी कि ऐश इन पहले रीजन। ओके सो एक तरह से एक हिंट ही था। सो गाइस ये है सेकेंड मर्चेंडाइज फोटो जो कि गाइस मतलब पिछले एक दो हफ्ते में ही आया है। इसके अंदर आप देख सकते हो गाइस पहले रीजन का कोराइडोन मिराइडोन है, उसके ऊपर गाइस बहुत सारे अलग अलग लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि गाइस डार्क राय हो और रेक्वाजा, यानी कि गाइस अगले रीजन के अंदर जो है गाइस बेसिकली लेजेंडरी पोकेमोन का कुछ बहुत ही बड़ा मतलब जो है इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है कि लेजेंडरी पोकेमोन से रिलेटेड। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। यहां पे म्यूटू हो, बहुत सारे पोकेमोन ऊपर देख सकते हो, सबसे ऊपर पैलिया रीजन के स्टार्टर भी हैं, नीचे गाइस पिकाचू है, यहां पे चारिज़ार्ड भी है, यहां पे ड्रैगनाइट भी है जो सभी के सभी पोकेमोन ऐश के पास है। तो पैलिया रीजन ऐश के पोकेमोन इनकी ऐश इन पैलिया रीजन, तो मैं और बात नहीं करूंगा। सो गाइस ये है थर्ड एंड एक और ये मर्चेंडाइज का ही फोटो है, इसके अंदर आप देख सकते हो बीच में एक लड़का है जो कि एक पोकेमोन का लैपटॉप पकड़े हुए है जो कि बेसिकली एक प्रोडक्ट है। उसके आजू बाजू देखो कोराइडोन मिराइडोन, यहाँ पे गाइस ड्रैगनाइट भी है, पिकाचू भी है, चार्जार्ड भी है एंड ये एंड सबसे ऊपर देख सकते हो गाइस पैलेरिजन के स्टार्टर्स एंड बाजू में कुछ लेजेंडरी पिपलप है, ई भी है, इन सबको इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे देखो ऐश के पोकेमोन, यहाँ पे गाइस पैलेरिजन के पोकेमोन, दैट मींस ऐश इन पैलेरिजन, दैट्स इट। एंड गाइस ये सभी के सभी मैं जो दिखा रहा हूं ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज का पोस्टर, इसलिए इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये सभी के सभी पोकेमोन जर्नीज के ऑफिशियल ट्विटर पे आए हैं। सो गाइस ये फोर्थ पोस्टर है जो कि उसी प्रोडक्ट का, यानी कि उसी लैपटॉप का, यहाँ पे भी देख सकते हो लेजेंडरी पोकेमोन्स, नीचे पैलडिया के स्टार्टर्स, पैलडिया के रेजेंडरी एंड पैलडिया के लेजेंडरीज एंड ऐश के पोकेमोन्स, दैट मींस ऐश इन पैलडिया। सो गाइस ये है एक और गाइस मतलब प्रमोशन पोस्टर है पोकेमोन का, नीचे देख सकते हो ग्रेनिंजा है, ऊपर चारिज़ार्ड है, गेंगर है, वहाँ पे गाइस प्रिगाटीटो है, फुइकोको, क्वैक्सली जो कि गाइस स्टार्टर्स है पैलडिया रीजन्स के, यहाँ पे ड्रैगनाइट भी है, ड्रैगनाइट गेंगर ग्रेनिंजा एंड चारिज़ार्ड सब ऐश के पोकेमोन है एंड यहाँ पे पैलडिया रीजन के पोकेमोन है, दैट मीन्स ऐश इन पैलडिया। सो गाइस ये लास्ट पोस्टर है जो कि रिसेंटली आया गया जी, वो सी पोकेबॉल का एक न्यू पोस्टर टाइप है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हो लुगिया रेक्वाजा है, डियाल्गा है, यहाँ पे वो कोराइडोन मिराइडोन भी है, यहाँ पे ऐश का चारिज़ार्ड, नीचे ऐश का पिकाचू, जो यहाँ पे तीनों के तीनों देख लो जो कि स्टार्टर्स है गाइस पैलडिया रीजन के एंड दैट मीन्स ऐश इन पैलडिया रीजन, दैट्स इट, मतलब ये लास्ट था, दैट्स इट। सो गाइस ये सब जितने भी मर्चेंडाइज के पोस्टर थे गाइस ये पिछले दो महीने में पोकेमोन जर्नी ने ऑफिशियली जो उनके ट्विटर पे डाले थे एंड इन सब के अंदर जितने भी जो है गाइस यहाँ पे जो मतलब जो पैलडिया रीजन्स के लेजेंडरीज है उन्हें प्रमोट किए हैं, साथ ही साथ पैलडिया रीजन्स के स्टार्टर्स को प्रमोट किए, उसके साथ ही साथ गाइस बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन थे जिसका मतलब हो सकता है गाइस मे बी पैलडिया रीजन्स के अंदर जो गाइस बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहने वाले लेजेंडरी पोकेमोन का। उसके साथ ही साथ गाइस हमें हर जो मतलब जितने भी पोस्टर्स थे उसके अंदर हमें पिकाचू देखने को मिला है जो कि हम मान लेते हैं गाइस कि वो नॉर्मल भी हो सकता है लेकिन गाइस वो पिकाचू गाइस ऐश का ही है, ठीक है। बाकी के पोकेमोन्स को मैं मान लेता हूं जो कि ड्रैगनाइट दिखा, ग्रेंजा दिखा, चारिज़ार्ड दिखा, वो नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन गाइस जहां पर भी पिकाचू देखते हैं गाइस वहां पे ऐश का इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाता है बिकॉज गाइस पिकाचू इज फेमस, मतलब जो कि पिकाचू है गाइस वो फेमस है ऐश की वजह से एंड ऐश का ही पिकाचू सबसे ज्यादा फेमस है, किसी और का मतलब वो नॉर्मल पिकाचू हो ही नहीं सकता, वो ऐश का ही पिकाचू हो सकता है। सो गाइस हर एक मर्चेंडाइज में एक तरह से उन्होंने गाइस ऐश को मतलब ऐश का एक हिंट दे दिया है पिकाचू से, मतलब पिकाचू दिखाने का एक ही मतलब होता है ऐश
यानी कि गाइस जिसका मतलब हो सकता है गाइस ऐश सच में पैल रीजन में होगा। या एंड गाइस मतलब यार इतने सारे मर्चेंडाइज दिखाने के बाद भी, पिकाचू को दिखाने के बाद भी, ग्रेन इंजर चैरिज़ार्ड को दिखाने के बाद भी, अगर ऐश अगले रीजन में नहीं होता तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐश भी अगले रीजन में होगा। कैसे होगा मतलब क्यों होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगले रीजन में भी वो रहने वाला है ऐसा मुझे पर्सनली तो लगता है। एंड मर्चेंडाइज भी वही कह रहे हैं, एंड अगर मर्चेंडाइज को रॉन्ग मतलब अगर यहाँ पे जैसा दिखा रहे वैसा नहीं होता तो हमारा कट गया और कुछ नहीं। सो गाइज एंड अगले रीजन में मान लेते कोई और न्यू प्रोटैगनिस्ट होगा, ऐश को यहीं पे टाटा बाय बाय कर देंगे, यहाँ पे उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि चैंपियन बना देंगे लियोन को हराने के बाद। अगले रीजन में कोई और लड़का होगा यानी कि कोई और न्यू प्रोटैगनिस्ट होगा तो क्या होगा भाई, देख लेंगे। हमें देखने से मतलब है, ऐश कौन सा बहुत बड़ा है गाइज। जोक साइड यार मतलब जस्ट एक जोक था तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। अगर ऐश होता है तो अच्छा ही होगा एंड मुझे लगता है पर्सनली ऐश ही होगा। सो यार दैट्स इट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपकी ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर बता देना। बाय।